नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बार बालाओं के साथ ठुमके लगाना यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर को भारी पड़ गया। एसपी ने सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। दरअसल गाजीपुर जिले में एक तिलक उत्सव कार्यक्रम में प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर थाने में तैनात दरोगा राजेश कुमार यादव बिना विभागीय अनुमति के दोस्तों के कहने पर साथ चले गए। कार्यक्रम में स्टेज पर बाल बालाओं का डांस चल रहा था। दरोगा जी से भी रहा नहीं गया और जवानी के जोश में झट स्टेज पर चढ़ गए। नर्तकी के साथ अश्लील तरीके से डांस करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही मीडिया ने इस बात एसपी प्रतापगढ़ को बताकर जानकारी चाही, तो एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल वीडियो की जांच सीओ लालगंज से कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया दरोगा राजेश कुमार यादव अनुशासनहीनता के दोषी पाए गए, जिस पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय जांच भी कराई जा रही। बीते माह प्रयागराज में बिजली विभाग के एक जेई ने भी बार बालाओं के साथ ऑर्केस्ट्रा के मंच पर ठुमका लगाया था। उनका भी वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ और उन्हें भी निलंबन की कार्रवाई झेलनी पड़ी है। सर, एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है डांस करते हुए, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई हुई? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जांच की गई तो इसमें ये तथ्य सामने आए कि सांगीपुर थाना जनपद प्रतापगढ़ पर तैनात उपनिरीक्षक राजेश कुमार यादव ये बगैर अनुमति के कल गाजीपुर जनपद गए थे, जहां पर एक तिलक का प्रोग्राम था। वहां पर विवाह समारोह, उस तिलक के प्रोग्राम में इनके द्वारा इस प्रकार से वहां पर डांस किया गया, और जो कि बगैर अनुमति के जाके इस प्रकार का कृत्य करना ये एक अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। इसमें सीओ लालगंज से रिपोर्ट प्राप्त कर तत्काल प्रभाव से सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।